नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंदौर के पितरेश्वर हनुमान मंदिर में आए हैं। लास्ट व्लॉग हमने शूट किया था श्री विजयासन माता मंदिर का, उसके बाद में आज हमारा नेक्स्ट दिन है इंदौर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की एक कमर्शियल कैपिटल है, साथ ही साथ इंदौर लगातार स्वच्छता में छठी बार भारत में नंबर वन पे बना हुआ है। तो आज हम लोग पितरेश्वर हनुमान मंदिर आए हैं। ये हनुमान मंदिर इतना खास मंदिर है कि मतलब हर एक भारतवासी के लिए एक गौरव का विषय है। ये मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की अष्ट धातु से निर्मित ऊंची मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे यार एक सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए आप लोगों के लिए दो रास्ते बनवाए गए। सबसे पहले एक रोड वाला रास्ता बनाया है, उसके अलावा सेकंड में आपको एक सीढ़ी देखने को मिल जाएगी। रोड वाले रास्ते का फायदा ये है, यदि आप लोगों के साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और उनको चलने में दिक्कत होती है तो आप आपकी कार ऊपर तक ले जा सकते हो, अन्यथा यदि आप यंग हो तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले सीढ़ियों के रास्ते से चलेंगे और आते टाइम यहाँ पे आप लोगों को नीचे की साइड थोड़ी बहुत दुकानें देखने को मिल जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए एक मिनी प्ले जोन बना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे सुबह आपको नाश्ते के लिए थोड़ी बहुत एक छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी। इधर पीछे एक दो दुकानें और है, अभी शायद सुबह का टाइम है इसलिए बंद हो, लेकिन मैं भी शाम के टाइम पे खुलती खुलती हूँ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। हम लोग बिल्कुल अब ऊपर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति देख सकते हैं। ये मूर्ति अपने आप में एक खास मूर्ति है, क्योंकि ये मूर्ति इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है जो अष्ट धातु से निर्मित है। ये मूर्ति पे आप लोग एक सुनहरे कलर की परत देख सकते हो, उसी के चक्कर में एक बाकी शानदार लुक आता है यहाँ पे। यहाँ पे जो हनुमान जी की गदा है वो भी बहुत वजनी है और मूर्ति का कुल वजन 108 टन के तकरीबन है, लगभग 1,08,000 किलो। तो यार आप इमेजिन कर सकते हो मतलब कितना भारी मूर्ति है ये। तो आप लोगों को ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण सन 2012 में चालू किया गया था। इस मंदिर के निर्माण के लिए खास 125 कारीगरों को ग्वालियर से बुलवाया गया था। पहले इस मूर्ति को उन लोगों ने सोचा था कि हम एक साथ बनाएंगे, लेकिन ऐसा बनाना संभव नहीं था क्योंकि इस मूर्ति का वजन 108 टन होने के कारण इसके बिगड़ने की संभावना काफी ज्यादा थी। इसी को चलते हुए उन लोगों ने इसे 264 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया गया और बाकी इनको असेंबल करने में 2 साल का समय लगा। श्री राम दुलार साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे, राम रसायन पास तुम्हारे, सदा रहो प्रभु राम दुआरे, तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, सगरी विपत्ति टली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। शरण महा सुख आगे देखते हैं क्या क्या जय जय हनुमान।
तो वहाँ पे जो सीन था कि लंका के पास पहुँचने के लिए समुद्र का पार करते हुए जो छलांग लगी थी, यहाँ पे प्रॉपर भी आ चुके हैं और यहाँ से लंका दहन करके वापस। जो सबसे प्यारी चीज है यहाँ का जो माहौल है वो बड़ा ही प्यारा है, दीवारों पे जो नक्काशी करी है बड़े ही प्यारे तरीके से करी हुई है। यहाँ पे जो अपना मेन एंट्रेंस गेट मिल जाता है जो ऊपर की साइड हनुमान जी आपको देखने का मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस के लिए जो गेट है गेट में बढ़िया दो दरबार बने हुए हैं, गेट में भी नक्काशी बड़ी प्यारी तरीके से करी हुई है। हनुमान जी की काफी विशाल मूर्ति है, यहाँ से आपको जो सीन देखने को मिलेगा ना काफी अल्टीमेट है। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सर हम लोग बिल्कुल ऊपर की साइड आ चुके हैं जहाँ पे आपको हनुमान जी बिल्कुल हमारे लेवल पे देखने को मिल जाएंगे। मूर्ति इतनी बड़ी है कि हनुमान जी के घुटनों तक भी आप नहीं आ पाओगे। यहाँ पे आने के लिए आपको खास बात का ध्यान रखना है कि आप मंगलवार शनिवार या रविवार के दिन आइए, उन दिनों आपको काफी खास लाइट शो देखने को मिलेगा जो स्पेशली ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ के लाइट शो की खास बात यह है कि यहाँ पे जो चार हाईमास लाइट लगी है जो रात में भी दिन की तरह उजाला देती है, और उन लाइटों की खास बात यह है कि वो जर्मनी से स्पेशली इम्पोर्ट कराई गई है जिसकी कीमत है लगभग 2 करोड़ रुपए। और उस लाइट शो का जो चित्रण होता है वो हनुमान जी के चेस्ट पे आपको हनुमान चालीसा लगभग 7 कलरों में देखने को मिलेगी। आपको इस विशाल मूर्ति के बारे में और भी बहुत सी जानकारी मैं देना चाहूंगा, जैसे कि सबसे खास बात है यहाँ पे आप गधा देख सकते हो, ये जो हाइट है आप देख सकते हो, आप भी पूछा ऊंचा करके पूछना पड़ रहा है, पूरा तो आप पूछ ही नहीं पाओगे। मेन आप हनुमान का भी छत्र देख सकते हो, उस छत्र में आपको लगभग 108 बार राम नाम गुदा हुआ दिखेगा। हनुमान जी के हाथ में एक छोटी सी जो राखी बंधी हुई है वो भी बड़ी छोटी लग रही है, हालांकि वो राखी काफी बड़ी है। निकट समय निकट जो आए कदम वही स्मरण आ जाए, निकट समय निकट जो आए कदम वही स्मरण आ जाए, हर विपदा वो दूर करे संकट मोचन तभी कहलाए। तो यहाँ पे सभी लोगों ने अपने पितरों की शांति के लिए लगभग यहाँ पे 25,000 से ज्यादा पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पितृ दोष से मुक्ति के लिए लोग बाग पेड़ लगाते हैं, और इन पेड़ों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो देखभाल है वो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।